हेलो दोस्तों, पीसी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज हम विंडोज़ में जो अनलोकेटेड स्पेस हमारे ड्राइव में रहते हैं उसको हम लोग किस प्रकार फिक्स कर सकते हैं। तो ये अनलोकेटेड स्पेस हमारे ड्राइव में पार्टीशन के समय हमें जब उसको पार्टीशन करते जाते हैं तो कुछ हमारे जो अनलोकेटेड स्पेस हमारे पास रहते हैं, या तो दूसरा पार्ट में ये भी होता है दोस्तों कि ये टेक्निकल इशू भी हमारे उस पर क्रिएट हो सकते हैं। जो हमारा ड्राइव को क्रिएट होना था वो ड्राइव क्रिएट नहीं हो पाता है और वो ड्राइव से वो जो उसका ड्राइव लेटर है वो रिमूव जाते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से इसको फिक्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जिस पीसी में आना होगा यहाँ पर मैनेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को डिस्क मैनेजमेंट दिखेंगे, उसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो कि आप लोग देख रहे हैं कि अनलोकेटेड यहाँ पर है और यहाँ पर भी अनलोकेटेड है, जो कि 236 MB है, जो कि ये क्रिएट करते करते हमारे पास कुछ स्पेस बच जाते हैं, इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके भी स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू सैंपल वॉल्यूम दिया, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर वैसी रहने देंगे, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर जो डी टाइप क्रिएट होंगे और इसको भी नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से भी डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम, यदि आप इसको चेक मार्क करेंगे दोस्तों तो बाद में आप जो ड्राइव को ओपन करेंगे तो फॉर्मेट उस समय भी ये हो करना पड़ेगा उसमें। तो हम इसी प्रकार आने देंगे दोस्तों ताकि हमें फिर से फॉर्मेट ना मारना पड़े। और ये जो वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम दिया है ये लेटर वहाँ पर क्रिएट होगा, चाहते हैं तो आप डिस्क वॉल्यूम के नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। यूट्यूब फॉर्मेट के इसमें चेक मार से इसको नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। तो यहाँ फॉर्मेटिंग हो चुका है, जो कि डी टाइप क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर जो वॉल्यूम डी टाइप है यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों जैसे कि ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास है, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है और इसको भी कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम MB का है हमारे पास, जो कि इसको भी हमको यूज़ करना है ताकि हमारा कोई भी ड्राइव है उसका जो GB में हमारे पास है या MB में है उसका पूरा बेनिफिट उठा सके हम। और यहाँ पर जैसे कि ओपन करते हैं तो जैसे कि आप न्यू पार्टीशन के जो देख रहे हैं 234 MB में, जो कि हमें 1 MB का हमको इस ड्राइव से कोई कहीं भी अनलोकेटेड स्पेस आपके पास है उसको ड्राइव को आप पूरा यूज़ करिए। और डी टाइप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर है। तो इस प्रकार दोस्तों यदि हमारे ड्राइव से अनलोकेटेड स्पेस रहता है उसको हम क्रिएट करके एक ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जो अनलोकेटेड स्पेस था उसको ड्राइव को क्रिएट कर सके हैं। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।